अचानक से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट। हाय ऑल, आई एम मनीषा। लास्ट वीक मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, तो ये ब्लॉग कोई दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं है बेसिकली, कि ये हुआ वो हुआ, नथिंग लाइक दैट। मैं जस्ट ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं यहाँ के जो हॉस्पिटल है उनका रिव्यू दे सकूँ, या फिर ऐसी सिचुएशन में जो न्यूक्लियर फैमिली जो अब्रॉड रह रहे हैं उनके साथ में ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे हैंडल करना है। सेकेंडली, यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ये सब पॉइंट इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ। मेरी स्काई की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको जस्ट रनिंग नोज कोल्ड काइंड ऑफ उसको था सिम्टम, एंड दूसरे दिन उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। तो आप सबने भी सुना होगा अभी रिसेंटली कोविड के बाद में अभी एक वायरस चल रहा है जो बच्चों को सबसे पहले कैच कर रहा है, नॉट ओनली सिंगापुर, आई थिंक ओवरऑल सब जगह पे ही मैं सुन रही हूँ कि वो वायरस चल रहा है। तो बेसिकली वो वायरस ये करता है कि पहले रनिंग नोज कोल्ड का सिम्टम्स देता है और उसके बाद में गला ख़राब होता है एंड उसके बाद में लंग्स में इन्फेक्शन कर देता है, तो उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और इसके सिम्टम्स जो लंग्स में इन्फेक्शन है वो अस्थमा वाले हो जाते हैं, बट इट्स नॉट ए अस्थमा बेसिकली। तो हम लोगों ने डॉक्टर से, यहाँ पे नॉर्मल क्लिनिक होते हैं सिंगापुर में भी, तो हम लोगों ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि इसको इमिजिएटली इमरजेंसी वार्ड में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना रेफ़र करके एक लेटर दिया जो KK हॉस्पिटल, यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ का सिंगापुर का, तो उसके लिए हमें रिकमेंड किया। तो हम लोग इमिजिएटली वहाँ पे गए, तो वहाँ पे डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने अस्थमा का ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया, बिकॉज अस्थमा द पम्प इज लाइक वॉट एग्जैक्टली डूइंग इज कि वो ब्रीथिंग के लिए हेल्प करेगा। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले बच्चों को एक और मेजर इश्यू होता है, वो है ऑक्सीजन लेवल, वो डाउन हो जाता है। इस स्टेज के जो बच्चे हैं प्लस वन ईयर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट ये होता है कि इनको वहाँ पे बिजी कैसे रखना है या फिर कैसे हैंडल करना है। इनके जस्ट फेवरेट टॉयज लेके जाए, जैसे हम लोग इसके लिए बुक लेके गए एंड इसकी जस्ट बॉल वगैरह एंड क्लैपिंग वगैरह कर रहे थे, तो ऐसे में थोड़ा टाइम निकल गया। 2 3 ये है रात का सीन, जस्ट सुलाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसको जो ऑक्सीजन के लिए जो मॉनिटर लगा हुआ है उसको प्लग आउट करके भी हम लोग इसको कहीं लेके नहीं जा सकते। तो अल्टीमेटली उतने छोटे स्क्वायर फीट के बेड पे जो बच्चों वाला है उसमें ये इस एज वाले बच्चे रह भी नहीं सकते। भी है मॉर्निंग का सीन, तो यहाँ पे स्टारबक एंड कॉफ़ी बीन है, तो यहाँ से कॉफ़ी कलेक्ट की एंड यहाँ पे मिस्टर बिन भी है, तो कुछ जिसको खाना पीना है वो भी ले सकते हैं। फिर हम लोग रेस्टोरेंट पे गए जो हॉस्पिटल का ही पार्ट है, एंड यहाँ पे इन्होंने एक कॉर्नर बना रखा है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं ताकि बच्चों के लिए टाइम पास हो जाए। तो सिंगापुर के जो हॉस्पिटल का जो रूल है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि जस्ट बेड पे लेटे रहो, इसका ऑक्सीजन लेवल बेटर हो रहा था तो डॉक्टर ने बोला कि यू कैन टेक अराउंड एंड सी कैन रोम अराउंड, तो हम लोग इसको रेस्टोरेंट में भी लेके गए, तो ये मस्त आराम से वहाँ पे घूम रही थी। एंड यहाँ पे मदर केयर भी है, इनकेस अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हो तो यहाँ से बच्चों के लिए कपड़े भी ले सकते हो। हॉस्पिटलाइज थी स्काई, वो थी KK वोमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो ये प्राइम मिनिस्टर गोचोंग तोंग जिन्होंने इसकी ओपनिंग की थी, वो थी 10 अक्टूबर 1997। स्काई अभी इसको रोकना इतना मुश्किल था, तो पूरे वार्ड में ये अभी इतनी छोटी इकलौती बच्ची थी, तो इसको अभी डॉक्टर चेक करने के लिए आए हैं एंड ये वापस से इसको पंप जो अस्थमा वाला है वो सब इसका टेम्प। यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल फिट है लुक वाइज, जस्ट इसको ऑक्सीजन का इश्यूज थोड़ा हो रहा था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हॉस्पिटल कैसे सिलेक्ट करें या फिर कौन सा हॉस्पिटल चूज करना है, तो वो आता है कि उससे पहले मैं बताती हूँ कि इंश्योरेंस का क्या रूल। अभी आप अब्रॉड कंट्री में हो, मुझे इंडिया का सीन इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट मैं जब अब्रॉड कंट्री की बात आती है तो इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि मेक श्योर यू जस्ट टेक इंश्योरेंस ASAP जब भी आप लैंड हो दूसरी कंट्री में। तो क्योंकि यहाँ पे बिल हज़ारों में नहीं, यहाँ पे लाखों में होता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो यहाँ पे हर मंथ अपॉइंटमेंट रहता है प्रेगनेंसी का, जो चेकअप का रहता है। तो ऐसे कुछ नहीं कि 2-3 हज़ार का बिल होता था, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल जो चेकअप होता है, जो रूटीन चेकअप है मंथली, वो 50-60 हज़ार का बिल हो जाता था, लाइक 1000 सिंगापुर डॉलर, तो विच इज़ लाइक ह्यूज। तो आप इमेजिन कर सकते हो जब हॉस्पिटलाइज हो तो यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस लेते वक्त आप मेक श्योर अपने इंश्योरेंस गाय से बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए कि उनको रीच आउट कैसे करना है या फिर क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि सिंगापुर का रूल है कि जो भी ऑब्जर्वेशन वार्ड रहता है उसका कभी भी क्लेम नहीं कर सकते इंश्योरेंस। दैट इज़ इंश्योरेंस वार्ड इज़ लाइक बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, द मेन ट्रीटमेंट, वो 24 आवर्स के लिए, मैक्सिमम इज 24 आवर्स रहता है, उसके लिए वो ऑब्जर्व करते हैं और उसको स्मॉल जो ट्रीटमेंट, जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। एंड उस ड्यूरेशन में पेशेंट का पता चल जाता है, तो उस ड्यूरेशन वाला जो है वो कभी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर 24 आवर्स अगर ऑब्जर्वेशन वार्ड में रख दिया तो 3-4 हज़ार का बिल आ जाता है, विच इज़ लाइक इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए 2.5-3 लाख का बिल हो जाता है। तो वो कभी इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे इस पॉइंट के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें ना, यहाँ पे VIP जो वार्ड है उसका नहीं होता कि जैसे कि आपने इंश्योरेंस ले ली, आपने VIP स्वीट बुक करवा लिया हॉस्पिटल में, जो होता है यहाँ पे वो सब कवर इसमें नहीं होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि जब हॉस्पिटल वाले जब बिल आपका बना के दे रहे हैं तो मेक श्योर उसमें ये रिटर्न ना हो कि ऑब्जर्वेशन वार्ड, बिकॉज जब ऐसे रिटर्न रहेगा तो वो कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। मेक श्योर उसमें रिटर्न होगी शॉर्ट टर्म स्टे, लाइक 8 आवर्स 6 आवर्स वो रहना चाहिए। यहाँ पे वार्ड सिस्टम है लाइक A, B, B+, B+ वाला होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो उसको। तो ये था इंश्योरेंस का पूरा रिव्यू। एंड अभी आती हूँ हॉस्पिटल पे। तो यहाँ के जो हॉस्पिटल है उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो अगर उन्होंने 2 घंटे का जो नाम लिया है, 2 घंटे के बाद में डॉक्टर आने वाला है, तो एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद में ना वो 5 मिनट पहले आते हैं ना वो लेट आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। और अगर हम लोगों को ऐसे बोला कि 5 बजे छुट्टी देने वाले हैं तो एग्जैक्टली 5 से पहले डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट हो जाएंगे और आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सो ऐसे नहीं लटका के रखते हैं, 5 का नाम लिया तो रात की 12 बज गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के हॉस्पिटल काफ़ी कन्वीनियंट है। एंड ऐसा कुछ नहीं कि स्मेली है या फिर आप मरीजों वाली फीलिंग आएगी, जस्ट काइंड ऑफ होटल्स टाइप से यहाँ पे बने हुए हैं, वेरी क्लीन, वेरी नीट। इस गाय को डिस्चार्ज कर दिया है एंड टाइम टू से बाय टू दिस हॉस्पिटल, वी डोंट वॉन्ट टू सी अगेन। बिफोर आई साइन ऑफ, एनी वन गोइंग टू आस्क मी स्पेसिफिकली माई फैमिली, मैं उनके पूछने से पहले बता रही हूँ कि स्काई अभी बिल्कुल ठीक है। 1 वीक इसको जस्ट ऑब्जर्व करना था हमें कि कुछ अगर ब्रीथिंग में फिर से इश्यू। वन मोर थिंग, ये अगर किसी को वायरस हो रहा है बच्चों को, माइट बी इट कैन हैपन विद एनीवन, तो ये 14 डेज एटलीस्ट ये लगता है 100% रिकवरी में। एंड उसके बाद में प्लीज़ ध्यान रखिए कहीं ओवरसीज़ ऐसे जगह पे ट्रैवल ना किए जहाँ पे वेदर काफ़ी हार्श हो, क्योंकि इनको ब्रीथिंग का इशू हो सकता है वापस से। एंड होम रेमेडीज ना कीजिए, बिकॉज ये जो वेदर है चेंज वाला, जो ऑटम वेदर है, वो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाती है। एंड ये वायरस तो ऑफकोर्स अपने घर के होम रेमेडीज है उनसे ठीक नहीं होने वाला, तो मेक श्योर यू जस्ट गो टू डॉक्टर एंड जस्ट कंसल्ट विद देम। दिस इज़ इज फॉर टूडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड हेल्पफुल यहाँ के जो हॉस्पिटल का रिव्यूज़ एंड इंश्योरेंस के जो पॉइंट्स थे। And we will see you soon next week with the exciting video. Tab tak ke liye bye bye and stay safe.